सोलन शहर में कर्फ्यू व लॉकडाउन में 3 घंटे की ढील के दौरान हॉकी क्लब द्वारा कोरोना रोकथाम में लगे कोरोना योद्धाओं सहित आमजन को मास्क व ग्लव्स बांटे गए। सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक पर खड़े होकर माल रोड से गुजरते हुए लोग जो बिना मास्क के घूमते नजर आए, उन्हें लगभग 100 मास्क वितरित किए गए, जबकि ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को 200 मास्क दिए गए। इसके अलावा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए 200 मास्क और 200 ग्लव्स भी वितरित किए गए। इन दिनों कई संस्थाएं इस तरह के सामाजिक कार्य कर रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री या सेफ्टी किट भी बांट रहे हैं। हॉकी क्लब सोलन के उप प्रधान उमेश शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक व नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा इन चीजों की आवश्यकता होने के कारण करीब 500 मास्क व 200 ग्लव्स वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि इस महामारी की घड़ी में उनका क्लब द्वारा हर संभव सहायता जन कल्याण के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी कोई चीज की आवश्यकता है तो वे उसके संपर्क कर सकते हैं। आज इस आपदा की घड़ी में हमारे क्लब ने ये निर्णय लिया है कि हम आम जनता की मदद के लिए उनको कम से कम 500 मास्क और कुछ ग्लव्स जो है उनको देंगे, ताकि इस आपदा की घड़ी में सब एक दूसरे से अपने डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कामकाज करते रहें, और जो हमारी तरफ से आगे भी सहयोग बन पाएगा वो हम अपने क्लब की तरफ से आम जनता की तरफ देते रहेंगे। बिल्कुल, अभी जैसे हमारे को हमारी बात हुई थी, हमने SP साहब से बात की थी तो उन्होंने हमारे को एक बोला था कि भाई हमारे को इसमें कुछ पुलिस वालों को काफ़ी ज़रूरत है, और EO साहब से भी हमारी बात हुई है तो वहाँ पे भी जो हमारे सफाई कर्मचारी वगैरह हैं उनके लिए मास्क प्लस ग्लव दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो उसी को पूरा करने के लिए हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा अंशदान दिया है ये, और बाकी आगे निकट भविष्य में अगर हमारे क्लब से किसी को और भी कोई ज़रूरत होगी तो उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।